उसमें शर्मा की आमद आमद हो और साग का मजा न लिया जाए तो ये कैसे हो सकता है। साग सरसों का हो, साग मेथी का हो, या साग तारे मीरे का, या ये साग चने का, ये आज से कोई 2-3 हफ्ते पहले मेरी वालदा मोहतरमा योगिन जीजल मथन ने ये यहाँ क्यारियाँ बनवा के और साइड पे भी ये चने का साग हम 2 दफ़ा उसको काट के और उसका मज़ा ले चुके हैं। हाँ पता है इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये जो योग के लोग हैं ना, जो योग को समझते हैं, वो कहते हैं कि ये सुपर न्यूट्रिशियस फूड है। सुपर न्यूट्रिशियस फूड क्योंकि इसमें वो जो विटामिन्स इंसान के जिस्म के लिए ज़रूरी हैं वो उसमें पाई जाती हैं, मिनरल्स, पोटेशियम, और ये आपके जिस्म को तरोताज़ा खूबसूरत रखने के लिए टॉनिक समझे जाने वाली चीज़ है साग, और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो आप भी अपने घर के सामने या आपको मैदान हो वहाँ पर ये चने का साग लगा के और इसका मज़ा ले सकते हैं। बहुत सारी डिशेज आप गोश्त में भी, मछली में भी, आलू में भी पका के, और इसके यहाँ अम्मा तो चटनी भी बना दिया है ना अम्मा। हाँ।